यह सरकार माहौल चैप्टर नंबर 6 कंपोजिशन लेवी सुनना बच्चों ध्यान से। अगर किसी भी सप्लायर का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम था तो करंट फाइनेंशियल ईयर में वो चाहे तो कंपोजिशन स्कीम ले सकता है, और अगर कंपोजिशन स्कीम लिया है तो जब तक उसका करंट फाइनेंशियल में एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं होता है तब तक वो कंपोजिशन में रह सकता है। क्लियर? अच्छा बच्चों ध्यान रखना, ये एग्रीगेट टर्नओवर में सारा टर्नओवर ऐड होगा, भले वो टैक्सेबल हो या एग्जेम्प्ट हो, कोई भी सप्लाई है। क्लियर? और ध्यान रखना बच्चों, पर अगर आपका इंटरेस्ट का इनकम अर्न होता है, लोन्स एडवांसेस दिए उसमें इंटरेस्ट का इनकम अगर अर्न हुआ तो एग्रीगेट टर्नओवर का जो लिमिट है 1.5 करोड़ उसमें इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अच्छा सेकंड बात, अगर मान लो आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं थे और अब फर्स्ट अप्रैल से लेकर जब फाइनेंशियल शुरू हुआ तब से आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं थे, मिड ऑफ द फाइनेंशियल में आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया, तो ऐसे केस में जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं थे तब तक का टर्नओवर तो वो होगा ना यार आपका। क्लियर? तो वो भी टोटल टर्नओवर का पार्ट बनेगा, वो भी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे। क्लियर? ओके सरकार स्पेशल कैटेगरी स्टेट, सर वहां पे लिमिट कितना बेटा 40, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में लिमिट है कितना 75 लाख रुपए का, पर उसके तीन एक्सेप्शन है, जम्मू एंड कश्मीर, आसाम और हिमाचल प्रदेश, ये तीन स्टेट में अभी भी लिमिट कितना है बेटा 1.5 करोड़ है, बाकी सारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 75 लाख का लिमिट रहेगा। ओके सरकार, अब अगर आपने कंपोजिशन स्कीम लिया है तो इंस्टेड ऑफ पेइंग टैक्स एट द रेट ऑफ एट द नॉर्मल रेट विच इज गिवन इन सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 यू विल हैव टू पे एट द कंपोजिशन रेट, और वो रेट कितना है बेटा 1%, कितना बेटा 1% मैन्युफैक्चरर केस में 1% ऑफ व्हाट टर्नओवर इन द स्टेट। अच्छा 1% क्या बेटा 0.5% सीजीएसटी 0.5% एसजीएसटी, तो 1% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस या आउटडोर कैटरिंग सर्विस देते हो तो ऐसे केस में 2.5% प्लस 2.5% सी और एस पर एसजीएसटी ऑफ व्हाट, अगेन 5% ऑफ व्हाट टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। एंड सर थर्ड आता है क्या, अगर आप ट्रेडर हो बेटा मैन्युफैक्चरर रेस्टोरेंट आउटडोर कैटरिंग सर्विस प्रोवाइडर या इसके अलावा कोई भी पर्सन मतलब ट्रेडर, तो ऐसे केस में अगेन 1% 0.5% प्लस 0.5% पर यहाँ पे 1% किसका टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ का बेटा, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ को यहाँ पे इंटरप्रेट किया हुआ है कि जो आपके टैक्सेबल गुड्स है या सर्विसेज है आपकी उसी पे आपको 1% टैक्स पे करना है, जो एग्जिम गुड्स है उसको पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप मैन्युफैक्चरर हो या रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हो तो यहाँ पे टैक्सेबल हो या एग्जिम हो दोनों का आपको 1% या 5% ऐसे कैसे आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ लिखा है क्या टर्नओवर इन द स्टेट। आई रिपीट सर, मान लो मेरा एक दुकान है, मेरा एक शोरूम है, आई एम अ ट्रेडर और मैं कुछ टैक्सेबल गुड्स और एग्जिम गुड्स बेचता हूँ, मैंने कंपोजिशन स्कीम अगर लिया है तो केवल टैक्सेबल गुड्स पे टैक्स पे करना है, पर अगर मैं इन्हीं गुड्स का मैन्युफैक्चरर हुआ होता अगर मैं और मैंने कंपोजिशन स्कीम लिया है तो टैक्सेबल प्लस एग्जिम जो दोनों का टोटल करने के बाद अमाउंट आएगा उसका आपको 1% टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि वहां लिखा टर्नओवर इन द स्टेट फॉर रेस्टोरेंट एंड आउटडोर कैटरिंग सर्विस प्रोवाइडर एज वेल एज मैन्युफैक्चरर बेटा। ओके बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे एक अच्छा सा नवंबर 20 एग्जाम्स अगर आपके है तो एक छोटा सा पॉइंट ऐड हुआ है और वो बोलता है क्या कि टैक्स पे करते वक्त देखो ट्रेडिंग वालों के लिए तो वैसे भी टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विस पे टैक्स पे करना है, एग्जिम पे करना ही नहीं है, पर सर मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग सर्विस प्रोवाइडर अगर आप हो तो हाँ टर्नओवर इन द स्टेट दे रखा है, पर वहां पर अगर आपकी इंटरेस्ट की इनकम अर्न होती है, ब्याज लोन अगर आपने दिया किसी को, लोन्स एडवांसेस डिपॉजिट दिए आपको ब्याज की इनकम अर्न होती है, इंटरेस्ट की रेवेन्यू को आपको टैक्स पे करने के लिए टर्नओवर इन द स्टेट में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। ये नवंबर 20 के लिए पॉइंट ऐड हुआ है बेटा, जुलाई 20 के लिए पॉइंट रिलेवेंट अभी नहीं है। अच्छा एक और बात जो क्लेरिफिकेशन का पॉइंट है बेटा, ऑब्वियस बात है मान लो आपने मिड ऑफ द फाइनेंशियल में रजिस्ट्रेशन कराया तो जिस दिन तक आप लायबल टू रजिस्ट्रेशन नहीं थे, जैसे मान लो 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस हुआ आपका, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, रजिस्ट्रेशन करा दिया आपने, तो 20 लाख तक के टर्नओवर पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस बात है सर, उसको एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे, पर सर टैक्स पे करते वक्त उस अमाउंट को इंक्लूड ऑब्वियस बात है नहीं करेंगे, जब आप रजिस्टर्ड नहीं थे तो कैसे आपको कंपोजिशन वाला टैक्स पे करवा दे इस पे। ओके सर, अब मान लो आपने कंपोजिशन स्कीम लिया है तो देर आर सर्टन कंडीशंस, फर्स्ट यू शुड नॉट बी एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज एक्सेप्ट रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग सर्विस, पर हाँ यहाँ पे भी बेनिफिट दे दिया गवर्नमेंट ने, बोल दिया क्या अगर आपका सर्विसेज कुछ सर्विसेज का टर्नओवर है चलेगा सब, पर दैट सर्विसेज का टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और ₹5 लाख विच एवर इज हायर, मतलब 5 लाख और 10% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज हायर तक का आप करंट ईयर में सर्विसेज दे सकते हो। और यहाँ पर भी बोल दिया कि ये लिमिट काउंट करते वक्त इंटरेस्ट का रेवेन्यू अगर आपका होता है, देखो इंटरेस्ट की इनकम अगर अर्न होती है तो वो एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विस है, उसको हम यहाँ 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर काउंट करते वक्त उस एग्जेम्प्ट सर्विस जो इंटरेस्ट की इनकम है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, प्लस
नवंबर 20 के लिए एक पॉइंट और ऐड यहाँ पे हो गया कि प्रीवियस ईयर का जब हम टर्नओवर इन द स्टेट देखते हैं, देखते ना बेटा प्रीवियस ईयर का टर्नओवर इन द स्टेट उसका 10% करना है, तो प्रीवियस ईयर का टर्नओवर देखते वक्त भी आपको इंटरेस्ट की इनकम को टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करना है। जैसे 84 लाख आपका टर्नओवर था नवंबर 20 एग्जाम से, और अगर आपका 4 लाख का इंटरेस्ट का इनकम था उसमें से 84 में से, तो 80 लाख का ही 10% आपको करना है बेटा, क्लियर। और जुलाई 20 एग्जाम से तो 84 लाख का आपको 10% करना पड़ेगा, 84 का 10% और 5 लाख व्हिचएवर इज हायर। और हाँ, जुलाई आपका नवंबर 20 एग्जाम से तो 80 लाख का 10% और 5 लाख व्हिचएवर इज हायर, तो सरकार 8 लाख हो गया। और ये 8 लाख तक आप सर्विसेज करंट ईयर में दे सकते हो, और ये 8 लाख करंट ईयर में जब आप काउंट करेंगे तब अगेन जुलाई 20 एग्जाम्स हो या नवंबर 20 एग्जाम्स हो या उसके बाद वाले एग्जाम्स हो, जब ये 8 लाख काउंट करेंगे तो करंट ईयर में जो आपकी इंटरेस्ट की इनकम अर्न होगी उस करंट ईयर की इंटरेस्ट की इनकम को भी इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे 8 लाख का लिमिट देखते वक्त। मतलब 8 लाख के अलावा आपकी इंटरेस्ट की इनकम अर्न और हो सकती है उसको हम 8 लाख में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्लियर। 8 लाख की सर्विसेज आप दे सकते हो बच्चों। सेकंड कंडीशन, सर यू शुड नॉट बी एंगेज इन इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते बेटा, इंटरस्टेट परचेज कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कर सकते। थर्ड, यू शुड नॉट बी एंगेज इन सप्लाई ऑफ सच गुड्स विच आर नॉट लेवियबल टू जीएसटी। और एट प्रेजेंट 6 गुड्स है, घूम लो और झूम लो। सर एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और पेट्रोलियम गुड्स जिन पर जीएसटी लेवी नहीं होता है, अगर आप इन गुड्स पर डील करते हो तो आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो। नेक्स्ट, यू शुड नॉट बी एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जहाँ पे TCS एप्लीकेबल होता है। TCS का एप्लीकेबल होता है अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू गुड्स या सर्विस सप्लाई करी और पेमेंट जो कस्टमर करता है वो पहले ECU के अकाउंट में आता है और फिर वो आपका अकाउंट सेटलमेंट करता है, तो ऐसे केस में वहाँ TCS एप्लीकेबल होता है। अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है तो आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। देन सर, गवर्नमेंट चाहे तो कुछ गुड्स को नोटिफाई कर सकती है, नोटिफाई करके बोल सकती है कि अगर आप इसके मैन्युफैक्चरर हैं, आई रिपीट, अगर आप इसके मैन्युफैक्चरर हैं तो आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। और एट प्रेजेंट 4 गुड्स आर नोटिफाइड। फर्स्ट सर, आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर कंटेनिंग कोकोवा और नोट। सेकेंड, पान मसाला। थर्ड, जो आप खाते हो क्या, गुटखा टोबैको बेस्ड गुड्स। एंड सर फोर्थ पॉइंट जो लास्ट टाइम ऐड हुआ था, एडिटेड वाटर विथ एडेड शुगर मटेरियल्स या स्वीटनिंग मटेरियल बेटा। मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, थम्सअप पेप्सी कोका कोला जो मिक्स करके पीते ना बेटा, क्लियर। तो सर ऐसे केस में आप इसके मैन्युफैक्चरर अगर आप है तो आप एलिजिबल नहीं है कंपोजिशन के लिए बेटा, हाँ है ना, क्लियर। दारू बेचते हो बेटा चलेगा, दारू बेचते हो चलेगा, पर कंपोजिशन नहीं ले पाएंगे क्योंकि दारू तो क्या है, एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नॉट लेवेबल टू GST, क्लियर समझे। 6 गुड्स के डीलर अगर आप है तो कंपोजिशन के लिए एलिजिबल ही नहीं बेटा, अगर उन 6 गुड्स में एंगेज हो तो। और इन 4 गुड्स के अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, केवल दुकान है आपकी, ट्रेडिंग कर तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। ओके, अगला कंडीशन सर, यू शुड नॉट बी ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अच्छा, पहले ये रूल में लिखा था रूल नंबर 5 में, अभी भी लिखा है, पर नवंबर 20 एग्जाम्स के लिए इसको एक्ट में भी लिख डाला, सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2 में एक्ट में भी लिख दिया कि यू शुड नॉट बी ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अमेंडमेंट कुछ खास नहीं हुआ है सर, कुछ नहीं हुआ मतलब। देन सर, आपको भी दुकान के बाहर लिखना पड़ेगा क्या, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। आपको अपने बिल जब इशू करेंगे तब टैक्स इन्वॉइस इशू नहीं कर पाएंगे, बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे उस पर लिखेंगे क्या, कंपोजिशन डीलर नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर। आपने ऐसा कोई इनवर्ट सप्लाई लिया जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स की लायबिलिटी है, तो आपको रिवर्स चार्ज का पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा नॉर्मल रेट से, और आपको कोई ITC भी नहीं मिलेगा, क्लियर। ये रूल्स की कंडीशन थी बेटा। अच्छा, आप इंटरस्टेट परचेज करो कोई दिक्कत नहीं बेटा, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कर सकते बच्चे, क्लियर। अच्छा, अगर आपका रेस्टोरेंट है अगर आपका, जैसे बेकरी बेटा, केक आप बेकरी है और केक बेचते हो, और अगर वहाँ पे ईटिंग जॉइंट है, ईटिंग जॉइंट मतलब वहाँ पे लोग खड़े होकर खाना खा सकते हैं, केक खा सकते हैं बेटा, तो ऐसे केस में वो रेस्टोरेंट की कैटेगरी में आएगा और वहाँ 5% टैक्स पे करने वाला प्रोविजन लगेगा कंपोजिशन स्कीम में। पर वही अगर ईटिंग जॉइंट नहीं होता, केवल एक टेक अवे वाला होता काम बेकरी में, तो ऐसे केस में वो मैन्युफैक्चरर के इसको पे जाएगा और 1% टैक्स पे करना पड़ेगा उसको कंपोजिशन स्कीम में। ये सर्कुलर दे रखा बच्चों, क्लियर पक्का। ओके, तो सर अगर आपको कंपोजिशन स्कीम लेना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर नया रजिस्ट्रेशन कराया है, सर ध्यान देना, नया रजिस्ट्रेशन करवाया है तो जब रेशन के लिए आप अप्लाई करेंगे, फॉर्म जो फिल करेंगे उसके पार्ट भी में लिख देंगे कि मेरे को कंपोजिशन स्कीम लेना है, तो आप ऑटोमेटिक कंपोजिशन स्कीम में आएंगे डे वन से। पर अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो और रेगुलर स्कीम है और अगर आपको कंपोजिशन में आना है तो फाइनेंशियल खत्म होने से पहले पहले आपको प्रिस्क्राइब फॉर्म फिल करके सर डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा कि वी वॉन्ट टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम फ्रॉम 1st of April। मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में आप कंपोजिशन में नहीं आ सकते बेटा, एग्जिट तो कभी भी हो, हमें दिक्कत नहीं, एग्जिट कभी भी हो, एंट्री इन द कंपोजिशन स्कीम कैन बी अलाउड ओनली ऑन द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वो भी 1st April से पहले आपको इंटीमेट करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप कंपोजिशन में आ रहे हो
तो आप रेगुलर स्कीम मेथड रजिस्टर्ड, आपको स्टॉक का क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा, जीएसटी आईटीसी 03 नंबर का फॉर्म फिल करके आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, और विद इन 60 डेज आपको ये स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा साहब, क्लियर। और कितना आईटीसी आपको रिवर्स करना है ये मैं आईटीसी चैप्टर के अंदर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, चैप्टर 5 के अंदर, ओके। और अगर आप कंपोजिशन से बाहर निकल रहे हो बेटा, अब एग्जिट फ्रॉम द कंपोजिशन स्कीम के केस में क्या होगा बेटा, या तो एग्जिट कब होंगे बेटा, या तो आपका टर्नओवर क्रॉस हो गया, या जो कंडीशंस दे रखी है वो आप फुलफिल नहीं कर पा रहे, जैसे आपने इंटरस्टेट सप्लाई करना चालू कर दिया, ईसीयू के थ्रू सप्लाई करो जहां पे टीसीएस एप्लीकेबल होने लग गया बेटा, तो ऐसे केस में अब आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं रहे। तो जिस दिन आप कंपोजिशन से बाहर निकलते हो, या आप चाहो तो वॉलंटरी भी कंपोजिशन से बाहर निकल गए सर, तो उसके 7 डेज में डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा कि हम कंपोजिशन से बाहर निकल गए इस दिन से। सेकंड थिंग साहब, आपको कंपोजिशन से बाहर निकलोगे रेगुलर स्कीम में आ जाओगे तो स्टॉक का आईटीसी मिलेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, स्टॉक स्टेटमेंट इन द फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 01 नंबर का फॉर्म फिल करना पड़ेगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज, और वो स्टॉक का आप क्रेडिट ले पाएंगे इनपुट और कैपिटल गुड्स का जो लास्ट एक साल में परचेस किए हुए, क्लियर डन। सरकार ये जब कंपोजिशन में आते हो तो क्या करने का, और कंपोजिशन चाहते हो तो क्या करने का, ये बात हमने कर ली सर। अब सर ध्यान देना, अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ली है तो यू कैन नॉट कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर, यू कैन नॉट इश्यू टैक्स इनवॉइस, न उसको कोई क्रेडिट मिलेगा न आपको कोई आईटीसी मिलेगा, ऑलरेडी रेट आपकी इतनी कम कर दी, अब आपको किस बात का आईटीसी बेटा, क्लियर। सेकंड थिंग, अगर आपको कंपोजिशन लेना है तो जिस पेन नंबर पे आपका रजिस्ट्रेशन है उस पे नंबर पर जितनी भी ब्रांचेज है सब पे कंपोजिशन एक साथ लेना पड़ेगा, और अगर एक भी ब्रांच कंपोजिशन से बाहर तो सारी ब्रांच कंपोजिशन से बाहर। ध्यान देना, पेन नंबर पे जितने भी रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके सब पे या तो कंपोजिशन लेना है या सब पे किसी में भी नहीं लेना बेटा, एक भी ब्रांच कंपोजिशन बाहर तो सारी ब्रांच कंपोजिशन बाहर। अच्छा, अगर आपकी एक भी ब्रांच एक भी ब्रांच स्पेशल कैटेगरी स्टेट में रजिस्टर्ड है अदर देन जम्मू एंड कश्मीर, आसाम और हिमाचल प्रदेश, तो सर एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट इज 75 लाख। तो अगर एक भी ब्रांच आपकी उन स्टेट्स में है तो पूरे इंडिया में जितनी भी ब्रांच है सबके लिए एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट कितना हो जाएगा, 75 लाख हो जाएगा, क्योंकि पूरे इंडिया का टर्नओवर देखते हैं हम 75 लाख काउंट करते वक्त। और जैसे 75 लाख क्रॉस हुआ वो ब्रांच कंपोजिशन से बाहर, जैसे ही स्पेशल कैटेगरी स्टेट वाली ब्रांच कंपोजिशन से बाहर तो सारी ब्रांच कंपोजिशन से बाहर, ओके सर। अब ध्यान देना बेटा, अगर आपने कंपोजिशन लिया है तो सर आपको जीएसटी रिटर्न जो फाइल करना पड़ेगा जीएसटीआर 4 के फॉर्म में होगा, वो एनुअल रिटर्न होता है फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 30 अप्रैल तक आपको फाइल करना पड़ता है, पर क्वार्टरली आपको जीएसटी सीएमपी 08 के थ्रू आपको टैक्स पे करना पड़ेगा क्वार्टरली बेटा, ओके। और वो क्वार्टरली होगा सर 18th ऑफ द नेक्स्ट मंथ बचा, ओके माहौल 18th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक क्वार्टर खत्म होने के बाद आपको जीएसटी सीएमपी 08 फिल करके टैक्स पे करना होगा, ओके सरकार। अब ध्यान देना बेटा, अगर आपने कंपोजिशन स्कीम लिया हुआ जबकि आप एलिजिबल नहीं थे तो प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि वो आपको शोकॉज नोटिस इश्यू करेगा और आपको बोल देगा कि आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप कारण बताओ हम आपको कंपोजिशन से बाहर क्यों ना निकाले और डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी क्यों चार्ज ना करें, और अगर उसने प्रूव कर दिया कि आप गड़बड़ किया है तो ऐसे केस में वो डिमांड ऑर्डर इशू करके आपसे टैक्स रिकवरी करेगा विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी एज पर सेक्शन 73 और 74 एज द केस में भी, ओके डन। एक लास्ट सर्कुलर और इसमें बेटा, विड्रॉल फ्रॉम द कंपोजिशन स्कीम कब मानेंगे, अगर एसएससी खुद विड्रॉल के लिए अप्लाई करता है तो सर वो जिस दिन वो जब अप्लाई करता है उसमें लिखेगा इस दिन से मैं कंपोजिशन से बाहर हो गया, तो उस दिन से वो कंपोजिशन से विड्रॉल माना जाएगा, बट दैट डेट कैन बी अ रेट्रोस्पेक्टिव डेट बट दैट कैन नॉट बी बियॉन्ड बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बेटा, जिस फाइनेंशियल में अप्लाई किया उससे पहले वाले फाइनेंशियल में नहीं जा सकता, उसी फाइनेंशियल की डेट हो सकती है बेटा वो। एंड अगर डिपार्टमेंट आपको कंपोजिशन से बाहर निकाल किक मार के बाहर निकाल दिया, तू है ही नहीं एलिजिबल आगे कंपोजिशन में, तो कोई भी डेट डिपार्टमेंट जो बताता है कि इस दिन से आप कंपोजिशन में नहीं थे, कंपोजिशन से नहीं थे इस दिन से, तो वो दिन इट मे बी बिफोर द फाइनेंशियल ऑल्सो बेटा, हाँ है ना, वहाँ से कंपोजिशन बाहर हो जाएंगे और आपको डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी पे करना पड़ेगा बच्चों, क्लियर। और अकॉर्डिंगली स्टॉक आई टी सी आपको मिलेगा, ओके सरकार। ये गुड्स का कंपोजिशन स्कीम पूरा खत्म होता है। अब सर सर्विसेज का कंपोजिशन स्कीम नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2019 ऑफ सेंट्रल टैक्स, बच्चों दिल थाम के सुनिएगा, सर्विसेज का कंपोजिशन स्कीम, और जिनके नवंबर 20 एग्जाम से सेम पॉइंट एप्लीकेबल है, बस अभी सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2 है, मतलब पहले नोटिफिकेशन थ्रू दिया था, एक्ट में नहीं लिखा था सर्विसेज कंपोजिशन स्कीम के लिए, अभी एक्ट में भी लिख डाला पर जो नोटिफिकेशन लिखा था वही एक्ट में लिखा है, कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है, एक छोटा सा अमेंडमेंट बात करने के बाद में। तो सर सर्विसेज कंपोजिशन स्कीम भले सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2A रेड विद नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2019 बोल दो या केवल नोटिफिकेशन 2 ऑफ 2019 बोल दो, बात एक ही बेटा। सुनना बच्चों ध्यान से, नो डाउट मैंने नाम बोला है क्या, सर्विसेज का कंपोजिशन स्कीम, पर यस यू कैन ऑल्सो सप्लाई गुड्स भी सप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर यहाँ पे कंडीशन क्या है, फर्स्ट अगर आपका प्रीवियस फाइनेंशियल में एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख से कम था तो करंट ईयर में जब तक आपका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख क्रॉस नहीं होता तब तक आप सर्विस सप्लायर का कंपोजिशन लेवी वाला स्कीम ले सकते हो, और ये स्कीम अगर आपने लिया है तो आपको आपका टोटल टर्नओवर का क्वार्टरली बेस पे टैक्स पे करना है बेटा, वही जीएसटी सीएमपी 08 फिल करके, पर 6% ही टैक्स पे करना है, 3% सीजीएसटी 3% एसजीएसटी, कितना 6% इररेस्पेक्टिव ऑफ
एनी सर्विस एनी गुड्स, ध्यान भले वो एग्जेम्प्ट हो टैक्सेबल हो, उसका रेट क्या है नॉर्मल कोई मतलब नहीं, 6% पे करना पड़ेगा बच्चों आपको, क्लियर? अब सर ध्यान देना बेटा, एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख काउंट करते वक्त, एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख काउंट करते वक्त एलिजिबिलिटी के लिए आपको सर, अगर आप लायबल टू रजिस्ट्रेशन नहीं थे तो जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो 1 अप्रैल फाइनेंशियल शुरू होता है, वहां से लेकर जिस दिन हमने रजिस्ट्रेशन कराया वो टर्नओवर भी काउंट करेंगे, क्योंकि टोटल टर्नओवर में तो वो भी काउंट होगा बेटा। पर जब टैक्स पे करने की बात आएगी तब उस टर्नओवर को काउंट नहीं करेंगे, टैक्स तो उसी टर्नओवर पे करना है जो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपकी टर्नओवर हुई उस पर बेटा, क्लियर? और हाँ, टोटल 50 लाख जो होता ना बेटा, जैसे आपका इस साल टर्नओवर के 45 लाख, 1st 20 लाख के लिए आप रजिस्टर्ड नहीं थे तो ऐसे केस में 1st 20 लाख पे टैक्स पे नहीं करना, नेक्स्ट 25 लाख पे टैक्स पे करना है, पर एग्रीगेट टर्नओवर देखते वक्त पूरा 45 लाख काउंट होगा बेटा, क्लियर? सेम फंडा था नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम गुड्स वाले केस में बेटा, ओके सर। सेकंड बात, एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करते वक्त 50 लाख का लिमिट काउंट करते वक्त एलिजिबिलिटी के लिए आपको इंटरेस्ट का इनकम अगर हुआ है, ब्याज का इनकम अगर हुआ है तो उसको भी इंक्लूड नहीं करना है एग्रीगेट टर्नओवर में। प्लस नॉर्मल 20 अगर आपके एग्जाम से ध्यान रखना, टैक्स पे करने के लिए जो 6% टैक्स पे करना होता है उसके लिए भी इंटरेस्ट की इनकम को काउंट नहीं करेंगे, पर अगर आपके एग्जाम जुलाई 20 में है तो इंटरेस्ट की इनकम को भी काउंट करेंगे टैक्स पे करने के लिए बेटा। मतलब सेम पॉइंट हुआ था नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम में, सेम पॉइंट यहां अमेंडमेंट हो गया बेटा। रिपीट कर रहा हूं, जुलाई 20 अगर आपके एग्जाम से तो इंटरेस्ट पे भी टैक्स लग जाएगा कंपोजिशन स्कीम में, और अगर आपके नवंबर 20 एग्जाम से तो इंटरेस्ट की इनकम जो लोन्स एडवांसेस दिए उस पर जो इंटरेस्ट अर्न हुआ एफडी का इंटरेस्ट वगैरह उस पर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, क्लियर? ये अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हुआ इसलिए मैंने बोला नवंबर 20 के लिए एप्लीकेबल, जुलाई 20 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ओके सरकार। अगली बात सर, बाकी सारी कंडीशन सेम है जो हमने नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम में पढ़ी, पढ़ लेते फिर भी वापस बोल देता हूं मैं। सबसे पहली बात सर, ये कंपोजिशन स्कीम की कंडीशन क्या है? फर्स्ट, आप सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन 1 का जो कंपोजिशन स्कीम था गुड्स वाला 1.5 करोड़ के टर्नओवर वाला, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं थे तो ही ये स्कीम वाला बात करेंगे हम। सेकंड सर, सेकंड आप आपका टर्नओवर प्रीवियस में 50 लाख से कम था। थर्ड सर, यू शुड नॉट बी एंगेज इन इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, आप ऐसे किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स या सर्विस सप्लाई नहीं करना चाहिए जिसपे TCS एप्लीकेबल होता है। देन सर, आप ध्यान देना बेटा, ऐसे किसी गुड्स के सप्लायर नहीं होने चाहिए विच आर नॉट लेवेबल टू GST एट प्रेजेंट, छह गुड्स घूम लो और झूम लो, क्लियर? एंड सर, यू शुड नॉट बी सप्लायर ऑफ फॉलोइंग फोर गुड्स, यू शुड नॉट बी सप्लायर ऑफ फॉलोइंग फोर गुड्स। बच्चों यहाँ पे सप्लायर लिखा है, वहां मैन्युफैक्चरर लिखा था, चार गुड्स कौन से? वही पान मसाला, गुटखा, टोबैको बेस्ड गुड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, एडिटेड वाटर विद एडिड शुगर और स्वीटनिंग मटेरियल, एंड सर आइसक्रीम वेदर नॉट कंटेनिंग कोकोआ, इसके आप सप्लायर है तो आप एलिजिबल नहीं हो इस 50 लाख वाले बेनिफिट लिए बेटा, क्लियर? एंड सर, यू शुड नॉट बी अ कैजुअल टैक्सल पर्सन, यू शुड नॉट बी अ नॉन रेसिडेंट टैक्सल पर्सन। प्लस सर अदर पॉइंट्स सारे सेम, पेन नंबर, जिस पेन नंबर पर जितनी ब्रांच है सब के लिए तो आपको कंपोजिशन एक साथ लेना है या किसी के लिए भी नहीं लेना बेटा, एक भी ब्रांच कंपोजिशन बार, सब कंपोजिशन बार। सर आप टैक्स इन्वॉइस इशू नहीं करेंगे, आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे, बिल पर लिखेंगे कि SSC नॉट एलिजिबल टू, SSC ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर, क्लियर? या फिर ये लिख दीजिए SSC पेइंग टैक्स अंडर नोटिफिकेशन ऑफ कंसेशन रेट ऑफ टैक्स, SSC पेइंग कंसेशन टैक्स एट द रेट ऑफ 6%, कंसेशन रेट ऑफ टैक्स अंडर नोटिफिकेशन ऑफ 2 of 2019 नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर, क्लियर? बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करेंगे बेटा आप। और हाँ सर ध्यान देना, बाकी सारे पॉइंट वही है जो नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम में एप्लीकेबल है, जैसे आप कस्टमर से टैक्स नहीं ले सकते बेटा, आपको कोई ITC नहीं मिलेगा सर, क्लियर? जिस दिन आप कंपोजिशन से बाहर निकलेंगे आप 7 दिन के अंदर इंटीमेशन देंगे, स्टॉक का क्रेडिट आप लेंगे, कंपोजिशन में आएंगे तो फाइनेंशियल बिगनिंग से पहले आना पड़ेगा आपको बेटा, क्लियर? स्टॉक का ITC रिवर्स करना पड़ेगा, ये सारे गवर्निंग प्रोविजन वही एब्सोल्युटली जो गुड्स के कंपोजिशन स्कीम में थे। सर भारत माता की जय। सर आपने अगर देखा हो तो एब्सोल्युटली सेम पॉइंट यहाँ पे ऐड हो गए, बस यहाँ पे 50 लाख का लिमिट है, वह 1.5 करोड़ का लिमिट है बेटा, क्लियर? और ध्यान देना बच्चों, नवंबर 20 के लिए जो अमेंडमेंट हुआ है मेजरली बस ये हुआ कि टैक्स पे करते वक्त नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम में टर्नओवर इन द स्टेट मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट के केस में इंटरेस्ट की इनकम को काउंट नहीं करेंगे, उस पर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। और यहां पे भी नॉर्मल जो सर्विस सप्लायर का कंपोजिशन स्कीम है 50 लाख वाला बेटा, यहां पे भी टैक्स पे करते वक्त टर्नओवर देखते वक्त उसमें भी इंटरेस्ट के रेवेन्यू को काउंट करने की जरूरत नहीं है, बस यही एक मेजर अमेंडमेंट है, बाकी ड्राफ्टिंग में इन्होंने एक्सप्लेनेशन ऐड किया, बाकी कोई चेंज नहीं हुआ बच्चों। और एक और जो नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम है बेटा सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन 1 वाली बेटा, उसमें जो बोला है कि यू शुड नॉट बी एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज, पर उसमें लिखा है कि आप करंट ईयर में सर्विसेज दे सकते हो कितना, 10% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर बेटा, तो प्रीवियस फाइनेंशियल का टर्नओवर इन द स्टेट देखते वक्त 10% निकालते वक्त आपको इंटरेस्ट की इनकम काउंट नहीं करनी, बस ये 2 पॉइंट ऐड हुए, कोई खास बात ऐड नहीं हुई बेटा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट माहौल, और सर मजे मारते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू सर, चैप्टर 6 खत्म होता है अब।